लेकिन कालू राम जी बिखरने आ प्रेम जी वाले बहुत बहुत धन्यवाद आगे कालू राम जी बिखरनिया साहब अगर उनके साथ हम जाते थे ना विष्णु सिंह भाई साहब उनके साथ जाते थे तो हमें ऐसा महसूस होता था कि हम बड़े हैं वो छोटे ये इतनी बात उनके पास थी बोले तो हम छोटे थे ही लेकिन हमको वो बड़ा बना के आगे प्रस्तुत करते कि पहले आप गाओ फिर बाद में हम लोग गाएंगे ये कालू राम जी वहां नाराज मत होना साहब दुनिया में टीआरपी बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कुछ कर सकते हैं और इतने झूठे होते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं लेकिन कालू राम जी बिखरनिया जैसे बाहर से वैसे ही अंदर से थे ऐसे शख्स इस धरा पर इस जमीन पर बारंबार होने वाले नहीं है साहब मैं कहता हूं भजन मुझे पता है कि मेरे में कौन से अवगुण है अवगुण तजो गुण ने पकड़ो मिट जावेला घोर अंधेरा तो कालू राम जी बिखरनिया साहब इतने सरल इतने शांत इतने प्रस्थान के आदमी थे मैं नागुणा होटल पे मैं गजेंद्र भाई नागुणा होटल जब शिवकर से आते थे प्रकाश जी माली के दादी जी की डांगड़ी रास चार घंटा वहां पर बैठे और सत्य बात बता रहा हूं मैं माँ सरस्वती का मंच है पावड़ा कहते थे मुझे मैं नागौर जिले का पावड़ा हूं कि पावड़ा काल मर्जा वाला दुनिया में सागे कुछ हलवा वालो है नहीं इन वास्ते जब तक जीवा तब तक जिंदगी रा आनंद लेला और दुनिया में मीठा बोलना कोई सागे चालवारो बाकी कोई पावना आज चाले कोई कल चाले बस अजी थाके कहीं बतावा पावना माँ के इता इता माँ के घर में सत्संग में आ जावे बीता लोगा के जागण में नहीं आवे ये कालू राम जी कहते थे मुझे माँ के सत्संग में जीता आ जावे बीता लोगा के जागण में नहीं आवे और आज ये दरबार ये सजा हुआ है कालू राम जी दादा का वचन है कि जब तक सूरज और चांद की शाख है दादा कालू राम जी बिकने जैसा आज तक इस धरा पे कोई पैदा नहीं होगा ये सत्य बात है एक बार दिल खोल के दोनों हाथों को सीधे सीधे खड़े करते हुए दोनों हाथों को और दादा के लिए जोरदार जयकारा बोले अजर अमर आत्मा की दादा कालू राम जी बिखरनिया की गंगे हरिद्वार की श्री काशी विश्वनाथ की इसलिए सब लिखते हैं ये साहब कहां गए तबला वाले क्या नाम है पहला यूं दादा हाँ सत्यवाद विष्णु जी भाई साहब कालू राम जी ने जरूरत नहीं थी अलाउंस करवारी कह कालू राम जी थाना आना ही पड़ी बे सीधा आ जाता जागरण में मंच रमाते अबे तो 25 बार 30 बार अलाउंस पे फलौन जी आवजो फलौन जी आवजो फलौन जी आवजो फलौन जी बेटा थंबो रो पियो तो हर के आवई एड़ा फलौन जी है साहब लेकिन दादा कालू राम जी से कुछ सीखना चाहिए तो दो पुष्प कालू राम जी के चरणों में अर्पित कर रहा हूं
मर जा श्री मानवी थारी देसी कणक ती तो मर जा श्री मानवी थारी देसी कणक ती तो बसमी बने उठ जावसी आ जमीर लागिनी ठो प्रेम बिना पावे नहीं प्रेम बिना पावे नहीं और हुनरी करो थे हजार कहे प्रीतम प्रेम बिना नहीं मिल तो नंदी कुमार ए हस हस मीठो जग में ए बोली नो रे अंसला सभी के सुना हुआ भजन है और भजन के बोल बड़े अनमोले सुनिएगा बड़े भाव के साथ में ए हस हस मीठो जग में बोली नो रे अंसला ए फेर मिलोला ना हस हस मीठो बोली नो रे हंसला फिर मिलोला कदी होत बिना नदी रे किनारे रूखी डूची जद कदी होत बिना पहला झड़सी पानी राजी लगी बजा रे झड़सी वो पानी डारे पछे झड़ारे मूल से जाही मीठो जग बोली नो रे अंसला फेर मिलो मारी बात झड़ता
बिछड़ा ए नामी लाजी, अब के बिछड़ा ए नामी लारे पछे दूर पड़ोला जाई मीठो सुख में बोली ना रे अंसला फेर मिलोला कई कुपड़िया ए मां बीती जा ए थारे बीत सी मां बीती जा ए थारे बीत सी थोड़ी हीरे बापड़िया मीठो बोली नो रे हंसला ए फेर मिलो लाना कालू दादा एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन मारवाड़ में हुआ, जालौर जिला श्री जिला में बहुत चाली हुआ भजन, सिर्फ एक पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं। ए उड़ी जावे लोर फीको पड़ी जावे लो उड़ी जावे लो रफी को पड़े जावे लो रे ताकि काया को ये थारी काया को ये थारी काया रो गुलाबी रंगे उड़ी जावे लो थारी काया रो गुलाबी रंगे उड़ी जावे लो संसारी ओश वालो पानी ओ संसारी ओश वालो पानी ए धूप पड़िया जी ओ तो उड़ी जावे लो ए धूप पड़िया जी ओ तो उड़ी जावे लो रे ताकि काया को थाकी काया को गुलाबी रंगी उड़ी जावे लो Thank you.
पानी तू पतलो
पानी सूजी पतलो पानी सू पतलो अरे पानी सू पतलो पवन सूजी नो रे ओ जारी I'm not afraid.